पाठ नौवा सर्वनाम प्रणाम। परिभाषा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, आप, कोई, क्या, यह, वह, कौन आदि। देखिए और पढ़िए। सोनम एक अच्छी लड़की है, वह अपना पाठ याद कर रही है। अमन एक खिलाड़ी है, वह हॉकी खेलता है। रीना बहुत मेहनती है, वह कभी हार नहीं मानती। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। सर्वनाम के प्रमुख छह भेद होते हैं। क पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। ख निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ग निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन। घ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन। औं संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। च प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। जो सर्वनाम बोलने, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। ख निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जहाँ वक्ता अपने लिए आप, अपने आप या स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एक, तुम यह काम स्वयं करो। दो, मैं अपने आप घर जा सकता हूँ। ग निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, वह, यह, वे आदि। घ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। अंग संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंधित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जैसा, वैसा आदि। च प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसको आदि। ध्यान दीजिए, जिससे बात की जाती है उसके लिए तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तू और तुम का प्रयोग अपने से छोटों के लिए किया जाता है। जिनके बारे में बात की जाती है उनके लिए वह, उनका, वे, उनके, उनकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उनका, आप, वे, ये, उनके, उनकी आदर सूचक शब्द भी है।